कुत्ते इंसान के वफादार दोस्त होते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। पर कभी कभी कुत्तों को वफादार इंसान मिल जाते हैं, ये एक बड़ी दुर्घटना के समान है। ऐसे ही दो नौजवानों की कहानी दिखाना चाहता हूँ, जो रोड पे रहते कुत्तों की सेवा पालन पोषण करते हैं। कुत्तों को नहलाना, उनकी धोना, उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना सब करते हैं। कभी कभी ये सब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की धोना भूल जाते हैं। कब से मेरा वीडियो मुफ्त में ले रहे बे? ये ले, अब पिछवाड़े ले। मेरा नाम करण, इसका नाम स्वयं। मैं ये कुत्ते मिले हैं रास्ते पे। इनकी माँ पता नहीं बस एक्सीडेंट में कहीं मर गई थी, तो मैं कुत्ते मिले बेचारे थे, कुछ खाने वाने कुछ था नहीं, एकदम पतले थे। अभी खा के कुत्ते मोटे हो गए, देख सकते हैं। फिलहाल तो ये कुत्ते खुश और तंदुरुस्त दिख रहे, पर पहले उनकी लाइफ में बहुत 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 बोले तो महा दुख था। अरे यार, टोटल 5 थे पर बेचारा एक मर गया। 5 में से एक कुत्ते के मरने से करण काफी डिप्रेशन में आ गया था, पर कट्टू और कुत्तों की दोस्ती की वजह से करण डिप्रेशन में से वापस बाहर भी आ गया था। एक कुत्ते को पैर पे पूरा सड़ गया था, पूरा पैर, उसका पैर काटना पड़ा था, गैंग्रीन हो गया था उसको, पूरा सड़ गया था, बेचारा चल नहीं पा रहा था ढंग से। और एक कुत्ते का पता नहीं रिक्शा के साथ एक्सीडेंट हो गया था, पूरा पैर छिल गया था, हड्डी दिखने लग रहा था। हमने डॉक्टर के पास जाके किया है उसका इलाज, हर रोज पट्टी की है। क्या रे, क्या शूट कर रहे है बे? जा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा और नहाऊंगा भी नहीं। गट्टू, दिमाग मत खराब कर साले, नहीं नहाना मुझे। मेरा भाई भागा था, मुझे क्यों पकड़ के लाया? गट्टू, दम है तो खुद डराना बच्चों को। कुत्तों को नहलाना इजी नहीं है, ये बात करण और गट्टू सीख गए हैं। दोनों इसीलिए रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, ताकि कुत्तों को दौड़ के पकड़ना आसान हो। करण और अर्जुन सॉरी करण और गट्टू कुत्तों को हर संडे बड़े प्यार से नहलाते हैं। पहले हम सर्फ एक्सेल से नहलाते थे, फिर 2-3 बार नहलाया, फिर एकदम ऐसा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं। फिर मम्मी पापा हम लोग घूमने गए थे होटल में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होटल का ही शैम्पू लेके आ जाए। होटल के लेके आ गए 3-4 बाटली मस्त, फिर स्नान करा लिया उससे। अपन जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, तभी टॉवल भी लेके आएंगे। अरे क्या आइडिया दिए बच्ची, देखता खाना भी लेके आना तुम लोग। गट्टू ने कुत्तों की मसाज करते करते काफी माहिरता हासिल कर ली है। करण भी काफी हद तक अच्छा मसाज देता है। कुत्तों को कम से कम 30 मिनट तक मसाज दिया जाता है शैम्पू लगा के। भाई करण, आंख में शैम्पू ना जाए उसका ध्यान रखना, पिछली बार पूरा हफ्ता मेरी मुनिया को नहीं देख पाया था। गट्टू की स्पेशलिटी है पूछ मसाज, देखो कितने चाव से मसाज कर रहा है। करण की स्पेशलिटी यानी के माहिरता हासिल की है टिक्स निकालने में, छोटे लाल मग में टिक्स निकालते हैं। एक कुत्ते में से ये कम से कम 20-30 टिक्स निकालते हैं। एक बार तो 2 टिक्स की कमी की वजह से बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आते रह गया। सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत जल्द ये टिक्स को भी स्विमिंग सिखाने वाले हैं। अब आइए कुत्तों को नहाने का लुत्फ उठाए म्यूजिक के साथ। अबे ये लोग शैम्पू लगा के किधर चले गए?
कभी कभी ये लोग एक दूसरे को भी नहलाते हैं। ये पानी काफी मीठा लग रहा है। छोरी क्या खाना लेके जा रही है? पूछा भी नहीं खाने का। कितना शैम्पू रह गया है, पर ऊपर से साफ भी नहीं करती। इन कुत्तों को ज्यादातर सफाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहाने के बाद सीधा मिट्टी में या तो गटर में गिरने की आदत है। पहले तो हम लोग बहुत समझ लो तो हम लोग सब जगह से मांग मांग के कुछ भी इकट्ठा करके लाते थे, पर आजकल हम लोग का एनजीओ बहुत बड़ा हो गया है, उसमें ना हम लोग का फाइनेंस बढ़ गया है, तो उसके वजह से आजकल खाना इसी आ जाते, कुत्ते लोग का पेट भरा। दूध दूध पनीर वनीर सब यार मज़े, इतने जाड़े हो गए सब लोग। सब लोग मतलब सब कुत्ते? हाँ सब कुत्ते लोग। अबे कट्टू शांति से सोने देगा कि नहीं? हाँ भाई। कुत्तों की सोने की व्यवस्था भी राजाओं जैसी रखी है। बाजू में फ्रूट वाला रहता है, उसके कैरेट रहते हैं, कैरेट वो जो बॉक्स होता है इसके अंदर फ्रूट रखते हैं वो, तो और आम का भी सीजन है तो घास भी होता ही था, कैरेट ले लेते थे उससे बिना बोले ढाप के तीन चार, और उसके अंदर घास बिछा के पेपर रख के सब सो जाते थे रात को मस्त आराम से। क्या रे कब से शूट कर रहे हैं, चबाओ क्या? एक तो ऐसा हुआ कि उन लोग सामने की बिल्डिंग में रहते वहाँ पे, आंटी ने उनको वहाँ से भगा दिया जब वो खाना खा रहे थे, और खाना खा के समय डिस्टर्ब किया तो उनकी तो दिमाग की हड्डी जाती है। ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे सब टट्टी करके आ गए, वो आंटी ने अगली बार से कभी भूला ही नहीं कुछ। फिर ये गट्टू के उसके चप्पल इतने पसंद आ गए ना, उसके घर के अंदर घुस के चप्पल लेके भाग गए, काट काट के कहाँ कहाँ छेद कर दिए ना आपको भी नहीं पता। तो क्या वो भी महंगे वाले चप्पल थे, सस्ते नहीं थे, पास थे। चले जा दो। बहुत नहलाए ये लोग ने, अब पाउडर लगाने की बात कर रहे थे। इन लोगों के लिए मेरा प्यार नफरत में बदले उसके पहले एक कल्टी लेता हूँ। हमें हमारी परवरिश पे इतना भरोसा है कि ये कुत्ते लोग जिसको भी काटेंगे ना उसको इन्फेक्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने उसको इंजेक्शन ही नहीं दिया। पर हमारी परवरिश ऐसी है कि कुछ होएगा ही नहीं। इन कुत्तों की स्टोरी जान के आपको पता चल गया होगा कि कैसे पूरा हफ्ता गटर में घूमने के बाद हर संडे उनकी अच्छे से सफाई होती है। ये कुत्ते काफ़ी लकी है जिन्हें ऐसी रॉयल लाइफ जीने मिल रही है। बताना भूल ही गया कि इनके तो नाम भी रखे हुए हैं, डफी, पफी, स्पाइकी और हैंडी। लास्ट में सोशल मैसेज भी है इसमें। इन कुत्तों को नहलाने में काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से संडे सोसाइटी की टंकी खाली हो जाती है। तो आप भी अगर एनिमल लवर है तो जिस दिन आप अपने प्यारे एनिमल को नहलाते हैं उस दिन आपको नहाने से छुट्टी लेनी चाहिए। जाते जाते इतना ही कहूँगा, करो कुत्तों से प्यार, इस दुनिया में नहीं है इंसानों के लिए प्यार, ना करो किसी से दुर्व्यवहार। आम का आचार समाप्त हुए समाचार, चल फिर मिलेंगे मेरे यार, ना करो पानी वेस्ट, कुत्तों को रखो बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या नहीं आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।